खबर इंडिया 7। सहारनपुर के गुरु रविदास छात्रावास में भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत नोटियाल ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन ने आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर पहले झूठे मुकदमे लगाए और फिर रासुका लगा दी, जिससे दलितों और मुस्लिमों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। देखिए सम्मानित मीडिया बंधु, ये कॉन्फ्रेंस जो भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर हुई है, और जिसमें कि पहले प्रशासन ने झूठे 27 मुकदमे जो लगाए थे उसमें हाईकोर्ट से हम लोगों को जमानत हो गई थी, जिस कारण से शासन ने और प्रशासन ने अपनी मिली भगत के अनुसार पहले 27 मुकदमे लगाए और फिर पूरी साजिश के साथ रासुका लगा दी गई, परंतु जिस कारण पूरे देश में दलित और मुस्लिम में आक्रोश था, परंतु सरकार ने और शासन ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम NSA की कार्रवाई वापस ले लेंगे, इसलिए हम लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन नहीं किया, परंतु सरकार और शासन ने मिलकर फिर से अपनी इसमें जो रासुका की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने की है, इसमें पूरे देश के अंदर दलित और मुस्लिम में पूरा आक्रोश है और हम लोग अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में हैं, जिसमें कि जिला सहारनपुर के अंदर 18 फरवरी को बड़े संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे देश में अब हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। दलित समाज और मुस्लिम समाज चुप बैठने वाला नहीं है। यदि NSA कार्रवाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जल्द ही वापस नहीं हुई तो जो धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए होगा, यदि इसमें कोई हानि पहुंचती है किसी व्यक्ति को, उसका जिम्मेदार सरकार और इस देश का प्रशासन और शासन होगा। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बैल आइकन दबाएं।